हाँ जी, श्रीमद् भागवत इतिश्री स्कंद अध्याय के श्लोक संख्या 32 को पढ़ और उसको समझने की कोशिश कर। भगवान यहाँ पे बता रहे अनेक अनेक श्रेणियां जीवन की, किस प्रकार से ये सब जो है विकसित हो क्रमशः विकासवाद बताया जा रहा है अनेक अनेक योनियों में। शुरू करके अचेत से श्रेष्ठ है उसकी चेतना है और जिसकी इंद्रियां विकसित है, इस प्रकार से अनेक अनेक इंद्रियां हम पढ़ चुके हैं। स्वाद उनके का स्वाद है वो अनेक दूसरे जीवों से श्रेष्ठ है। स्पर्श स्वाद से भी है श्रेष्ठ है, जिसके पास स्पर्श है की अनुभूति है, फिर गंध की अनुभूति जिसके पास है उनसे भी श्रेष्ठ, और जिसके पास श्रवण की अनुभूति है वे उसके भी श्रेष्ठ। बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए इस प्रकार से बताते हुए, जिनके पास चौपाई चार पांव वाले जो जीव है वो दूसरों से श्रेष्ठ है और सभी से बढ़कर मनुष्य है। दो वाले मनुष्य और मनुष्य से भी श्रेष्ठ वर्णाश्रम धर्म के पालन करने वाले मनुष्य, जो मनुष्य में से जो वर्णाश्रम धर्म नहीं तो वे पशु के समान जो धर्म। और ये वर्णाश्रम धर्म मतलब चार वर्ण और चार आश्रम, और इनमें से ब्राह्मण श्रेष्ठ। और ब्राह्मण से भी ब्राह्मणों में भी श्रेणियां जो नाक बताया पिछले श्लोक में बताया गया, अभी भी वर्णन किया जा रहा है कि ब्राह्मणों में से जिसने वेद का अध्ययन किया वह सर्वोत्तम है। और ये जो वेद जानने वाला ब्राह्मणों में से भी वेद की वास्तविक तात्पर्य का जानने वाला सर्व श्रेणी एक ही, लेकिन उनकी जो स्थिति है अलग है। यहाँ पे वर्णन आगे कि वेदों का तात्पर्य समझने वाले ब्राह्मण की अपेक्षा वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो सारे संशयों का निवारण करते हैं। ये कि ब्राह्मण से भी सारे संशय, वेद को जानना, वेद को पढ़ना, लेकिन उसके अंदर जो बातें हैं या जो मन में संशय है उसका निवारण सिर्फ वेद
जानना या वेद गालियां यंत्र करना काफी नहीं, उससे भी आगे किस प्रकार से उन क्षत्रियों का निवारण, और उससे भी श्रेष्ठ वह है जो ब्राह्मण नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। तो नियम का पालन श्रेष्ठ, और उससे भी श्रेष्ठ है समस्त भौतिक कलमश से मुक्त व्यक्ति, और उससे भी श्रेष्ठ वह शुद्ध भक्त है जो निष्काम भाव से भक्ति करता है। तो यहां पर कि कौन श्रेष्ठ, सभी में से श्रेष्ठ हूं अब सबसे जो निष्काम बिना चाहे निष्काम भाव से भगवान की सेवा में लगा। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि अर्थ या ब्राह्मण उस व्यक्ति का सूचक है जिसने परम सत्य का सम्यक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है हो, और जो यह जानता है कि परम सत्य का अनुभव तीन भिन्न अवस्थाओं में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में किया गया है। तो ये विश्लेषणात्मक अध्ययन बहुत जरूरी, जो यहाँ पे ये सांख्य फिलोसफी का यही है, एनालिटिकल स्टडी ऑफ एवरीथिंग, एनालिटिकली स्टडी। ये क्या है? विश्लेषणात्मक बताया गया है। तो ये विश्लेषणात्मक अध्ययन भगवान कपिल हमें समझा। सांख्य का अर्थ यही है, विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो इस विभाग में ये सांख्य दर्शन बताया जाए। विश्लेषणात्मक अध्ययन आत्मा और शरीर का विश्लेषणात्मक अध्ययन पूर्ण डिटेल में यहाँ पे कपिल मुनि समझा। तो ये बहुत तो जैसे कि श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि तीन जो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि परम सत्य को जानने के लिए तीन भिन्न अवस्थाओं में परम सत्य को जान सकते हैं, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान। और ये विश्लेषणात्मक अध्ययन से जाना जाता है, जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि परम सत्य का अनुभव तीन भिन्न अवस्थाओं में की जाती है, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान।
भागवतम में बताया गया है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सभ्यते। तो ये जानना बहुत जरूरी है, और जो जानता है वो ब्राह्मण हो गया, वेद कार्य भले वो ब्राह्मण जो श्रेष्ठ कोई भी समझ सकता है ब्रह्मेति परमात्मा की। भगवान जो है किसके स्रोत है? ब्राह्मण और परमात्मा के। और जब तक वो समझ नहीं पाता वो अंधकार में, तो सभी जो है परम सत्य का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है जब तक वो भगवान को नहीं समझे। और भगवान जो है सभी चीजों के स्रोत, इसीलिए आगे ये बताया जा रहा है कि ये तीन जो अवस्थाएं हैं, और प्रभुपाद जी भी बहुत सुंदर रूप में समझाते हैं कि कैसे अगर ब्रह्मण या ब्रह्म का ज्ञान ही सब कुछ है, जो ब्रह्म को ज्ञान को जानता है वो सोचता है कि यही सब कुछ है, तो वो गलत नहीं है लेकिन अधूरा, क्योंकि सब कुछ भगवान के साथ संबंधित है। जिस प्रकार से सूर्य के तीन अवस्था, सूर्य, सूर्य का किरणें और सूर्य का प्रकाश, जो से सूर्य के प्रकाश को जानता है उसको ही सब कुछ समझता है, नीचे की श्रेणी का जो है ऑर्डिनरी स्टूडेंट है या प्रिलिमिनरी नॉलेज है, ये प्रिलिमिनरी नॉलेज है ब्रह्म ज्योति, उसके भी आगे है जो सूर्य की किरणें या सूर्य का जो जो गोला है उसका जो सरफेस है उसको जानने वाला जो है उससे भी, और उससे भी अधिक जानने वाला है कि सूर्य ग्रहण ग्रह है और उस ग्रह में सूर्य देव, और वहीं से सब कुछ। तो ब्राह्मण और तीनों जो है, तीनों चाहे वो सूर्य की रोशनी हो, सूर्य का जो लोभ है, और सूर्य देव जो उसके उसके जो सूर्य के देवता है, वे सब सूर्य से जो है जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है, लेकिन समझ जो है वो अलग अलग। पर जो सूर्य ग्रह और सूर्य के देवता या सूर्य का ग्रह को जानता है वो तीनों को जानता है, सूर्य, सूर्य का ग्रह, सूर्य की रोशनी, सब कुछ जानता है। और जो सिर्फ रोशनी ही जानता है उसको पता नहीं कि आगे क्या है। जैसे कि अगर हम ट्रेन स्टेशन पे जा रहे हैं और ट्रेन से ट्रेन आ रही है,
है, ट्रेन आ रहे, तो फिर क्या देखता है? रोशनी, वो जो रोशनी दिखती, लाइट, और वो इतनी तेज होती है कि उसके पीछे गाड़ी है वो दिखती है। तो ऐसे ही लगता है कि ये सिर्फ रोशनी, ये ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म के जो व्याप्ति है या सब, वे सोचते इसके आगे कुछ है, सब निराकार ब्रह्म। तो जो आगे ज्ञान को जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं कि इसके पीछे, जैसे कि ये लाइट के पीछे क्या है, गाड़ी, गाड़ी को जान, वो जैसे परमात्मा, पर कि गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर है जो ये गाड़ी को चला रहे, निर्माण और नियंता। तो गाड़ी के अंदर ड्राइवर, और जो गाड़ी के अंदर को ड्राइवर को जान ले, वो सोचता, जो जानता है कि ड्राइवर है तो गाड़ी है, गाड़ी है तो लाइट है, सब कुछ, सब कुछ एक ही चीज से जुड़ा हुआ है। जैसे कि ये गाड़ी से, गाड़ी से रोशनी निकल जुड़ी हुई है, गाड़ी नहीं होती तो रोशनी कैसे आती? और रोशनी क्यों आ रही है? क्योंकि गाड़ी है, और गाड़ी के अंदर क्या है? ड्राइवर है जो इसको चला रहा है। उसी प्रकार से परमात्मा जिसने भगवान को जान लिया, क्यों? और ये सब चीजें, तीन चीजें जो है, रोशनी, गाड़ी और ड्राइवर, एक ही चीज है, एक और अलग नहीं है, अलग नहीं है एक दूसरों से। तो ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान अलग नहीं है, ये तीन जो है अवस्थाएं है भगवान को। तो यहाँ पे बताया गया कि परम सत्य सत्य का अनुभव तीन भिन्न अवस्थाओं में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में किया। यदि किसी के पास इस ज्ञान के अतिरिक्त परम सत्य के विषय में खाए जाने वाले संशयों को दूर करने की क्षमता है तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। इन सब जो बातें बताई गई है परम सत्य के विषय में उठाए गए जाने वाले संशयों को दूर करने की क्षमता है वह श्रेष्ठ। सो इसमें भी श्रेष्ठ, इससे भी श्रेष्ठ जो विश्लेषण करके अध्ययन कर रहा है, विश्लेषण करके अध्ययन कर लिया, ब्रह्मेति परमात्मी भगवानेति सत्यते, लेकिन उसको किस प्रकार, उसको समझ के, और संशय अगर किसी का हो, उस संशय को दूर करने वाला जो है शिष्य। तो जिसमें ये क्षमता है होता हो तो वह श्रेष्ठ माना। ऐसे भी हो सकता है कि विद्वान ब्राह्मण वैष्णव समस्त संशयों को दूर कर दे, किंतु यदि वह वैष्णव नियमों को नहीं मानता तो कुछ पद पर आसीन नहीं। तो लेकिन अगर वो जानता है और अगर वो विद्वान है, वो संशयों को दूर करता है लेकिन नियमों का पालन नहीं करता। जैसे किसी ने बताया कि वो ब्राह्मण आते हैं, वो पान वगैरह खा के, ऐसा कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं ना, जो वैष्णव का नियम है उनका पालन नहीं करते, फिर वो
पद पर आसीन नहीं तो चपत। उसे समस्त संशयों को दूर करने तथा साथ ही समस्त ब्राह्मण लक्षणों से युक्त होना चाहिए। तो ऐसा ब्राह्मण तो बहुत है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण ब्राह्मण है, वो मनुष्य से श्रेष्ठ है। मतलब वो वर्णाश्रम धर्म को जानता है, वो वेदों को जानता है, वेद के वेदों का तात्पर्य को जानता है, वो वेदों को विश्लेषक रूप में समझता है, पर वो नियम नहीं मानता जो शास्त्र। तो ये क्या होना चाहिए? उसे समस्त संशयों को दूर करने तथा साथ ही साथ समन ब्राह्मण ब्राह्मणों के लक्षणों से युक्त होना चाहिए। अभी यही इशू है ना, हम हमारे देश में अभी क्योंकि ये मायावाद का प्रभाव पड़ा है तो इक्वली सब लोग इक्वल है, एवरीबडी है, ऐसा नहीं, श्रेणियां है, अनेक अनेक श्रेणी, सब चीज में श्रेणी है। यहाँ पे भी श्रेणी, कोई तो किसी चीज से श्रेष्ठ, जैसे कि सूर्य की किरणें हैं, वो क्या कहते हैं रेनबो को, क्या कहते हैं रेनबो, सूर्य इंद्रधनुष, सूर्य धनुष, सूर्य की किरणें हैं, लेकिन सूर्य की किरणें में भी जो है, जैसे अगर सूर्य धनुष में देखा जाए तो अलग अलग जो रंग है, कुछ लाल है, कुछ सफेद है, इस प्रकार से ये किरणें भी इसमें भी अलग अलग जो है वही किरणें हैं। पर सब चीज में अगर देखा जाए, जो यहाँ पे बहुत ही विश्लेषणात्मक रूप से हमें यहाँ पे भगवान समझा रहे, ताकि इस बात को समझे सबको, एक गुरु भी एक वैष्णव है, बाकी वैष्णव भी वैष्णव, वैष्णवों में भी श्रेणियां हैं, ब्राह्मणों में भी श्रेणियां हैं, सबको एक ही पद पे नहीं रख सकते, ये मूर्खता है, ये बहुत जरूरी है। सब लोग वैष्णव है, उनका सब चीजों का आदर करना चाहिए, सबों का आदर करना चाहिए, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि श्रेष्ठ को, श्रेष्ठता को भी पहचानना बहुत जरूरी। तो उसे समस्त, जैसे कि ब्राह्मण यहाँ पे बताया गया कि उसे समस्त संशयों को दूर करने तथा साथ ही समस्त ब्राह्मण लक्षणों से युक्त होना चाहिए। तो अगर हम लक्षण ही नहीं जानते तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तो शास्त्र तो पढ़ते नहीं है, हम सबको एक ही दर्जे में लगा देते हैं, क्योंकि ये हमारा एवरीबडी इक्वालिटी, इक्वालिटी का ही जो ये एवरीबडी इज इक्वल, उसे हम किसी से भी सुन लेंगे, किसी से भी सुनो, फिर क्यों हम कहते हैं नहीं ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट में ही जाना है पढ़ने के लिए विषय, ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट सब इक्वल है, तो घर में बैठ के माता पिता से भी सुनो, है कुछ गलत नहीं है, लेकिन फिर क्यों हम कहते हैं नहीं हमें जाना है कहाँ, सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से ज्ञान।
यानी कनेक्ट श्रेणी ज्ञान की सब चीज की। तो ब्राह्मण का क्या गुण है हम जानते हैं, भगवद गीता में सब कुछ भगवान सब कुछ हमें बता रहे, समो तमस तप सौम शांति ये सब। तो ये ब्राह्मणों के गुण बता रहे, ज्ञानम ज्ञानम आस्तिक्यम। तो इस विज्ञान को समझ सकता है वो जो है स्वच्छ स्वच्छ शांत, शांति मतलब सहिष्णु, अर्जव मतलब सत्य को बोलता है, तप तपस्या, तम सम। तो ये ब्राह्मण का तो क्वालिटी तो दूर है कि सम दम पहले ही बताया गया, सम पीसफुल, क्रोधित नहीं होता है किसी छोटी छोटी चीज में, गोइंग फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, सम दम तप सोचम शांति अर्जुनम ऑनेस्ट ज्ञानम विज्ञानम आस्ति ब्राह्मण की गुण जो। तो ये गुण ब्राह्मणों के लक्षण से युक्त होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो वैदिक आदेशों के प्रयोजन को जानता है, जो वेदों द्वारा अनुमोदित नियमों को व्यवहार में लाता है और अपने शिष्यों को इसी विधि की शिक्षा देता है वह आचार्य कहलाता है। यहाँ पे व्यापक जी आचार्य का जो है परिभाषा बता रहे। जो सभी संशयों को दूर कर सकता है, वो जो वेदों के उद्देश्य को जानता है, जो वेदों पे उद्देश्य, वेदों में जो बताई गई चीजें हैं उनको अपने जीवन और दूसरों के जीवन में अपनाने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है और अपने शिष्य को ये सिखाता है उसको आचार्य। तो ये जो अध्ययन है विश्लेषात्मक रूप से अध्ययन शास्त्रों के अनुसार, जैसे कि स्टोरीज हैं या भगवान की लीलाएं कथा है, ये आभूषण है लेकिन ये विश्लेष रूप से नहीं। ये जो वैदिक साहित्य को समझ के उसको समझाना और अपने शिष्यों को उस प्रकार से, हम देखते प्रभुपाद कितनी बार हमेशा ये शास्त्र के अनुसार ही बात करते, कथा स्टोरीज ये बहुत का ये भी है, ये ऑर्नामेंट्स है भक्ति में और अध्ययन में, लेकिन विश्लेषक रूप से शिक्षा देना वेदों का, जो वेदांत मतलब वेद का अंत और वेदांत को समझ के उसको समझाना उसको आचार्य, इसके लिए प्रभुपाद जी आचार्य है। अगर हम इस चीज को समझना चाहते तो श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना है और विश्लेषक संविक्षण करके स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी जो हम कर रहे हैं, स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी, ऐसा नहीं कथा में, लेकिन क्योंकि अगर कथा है, सिर्फ कथा ही कथा है
और हम नहीं जानते कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, तो कथा सुनकर भी हम जो है हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता। हमें नियमों को भी जानना है, हमें विधि विधानों को भी जानना है। ये अच्छा है कहीं तक, कुछ नहीं तो सही, लेकिन आचार्य का पद ऐसा है कि वह भक्ति करता है जीवन में कुछ पद प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रखता। ये आचार्य मतलब आचार्य भी भक्ति करता है, आचार्य भी भक्ति, सन्नी के आचार्य भक्ति नहीं करता। आचार्य है तो भक्ति करने की जरूरत नहीं है, नियमों को पालन करें, क्योंकि हम भक्ति करें, हम बद अवस्था में भी भक्ति करेंगे और जब हम मुक्त अवस्था में भी हम भगवान की सेवा में ही लगेंगे। और हमारा ये प्रॉब्लम यही है क्योंकि हम प्रभुत्व जताने के लिए यहाँ आए हैं, और अगर आचार्य बन के हम प्रभुत्व जताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम मान सम्मान के लिए पद पे हैं, तो वे वही कहलाएंगे। क्या अंतर है भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी व्यक्ति में, अगर वो ऐसा कर, तो आचार्य का पद ऐसा है कि वह भक्ति करता है किंतु जीवन में उच्च पद प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं। और हम देखते हैं हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए बोलते हैं, मैं तो शूद्र हूं। ऐसे नहीं बोलने के लिए, ऐसे फील भी करना है। बोलना एक बात है, फील करना अलग है। मैंने बोला मैंने तो नौकरी मुसलमान की, ब्राह्मण से शूद्र से भी नीच। तो अभी आगे यहाँ पे कपिल मुनि बताते हैं कि इनसे भी श्रेष्ठ वह शुद्ध भक्त है जो निष्काम भाव से भक्ति करता है। निष्काम भाव से अन्य अभिलाषित शून्य, अभिलाषा कोई भी इच्छा नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैष्णव सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण से भी ऊंचा कौन है? वैष्णव। वो जो वैष्णव के पद पे, तो हम तो वैष्णव भी नहीं, ब्राह्मण को तो छोड़ो। लेकिन यहाँ पे वर्णन किया गया कि वैष्णव क्या है, ब्राह्मण क्या है, जानना जरूरी है ताकि हम समझ के ऊपर उठ सकते। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। जो वैष्णव ब्रह्म ज्ञान को जानता है किंतु अन्य को इस ज्ञान का उपदेश नहीं कर पाता, वह निम्न अवस्था में माना जाता है। तो वैष्णव ब्रह्म विज्ञान को जानता है किंतु अन्य को इस ज्ञान का उपदेश नहीं कर पाता, वह निम्न अवस्था में माना जाता है। तो ज्ञान तो है, बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किया, बहुत सारे कोर्सेस किए हैं सब, लेकिन इस ज्ञान का तो ये भी है टाइटल ना, हमको ये टाइटल चाहिए। शास्त्री वैभव सब शास्त्र अनेक अनेक टाइटल, तो ये टाइटल इसीलिए है ताकि उसको पढ़ के उसको समझ के प्रचार करें दूसरों को, समझ जो हम समझ गए हैं उनको समझाना। जो उपदेश नहीं करता कर पाता वह निम्न है,
अगर हम ये कर रहे हैं, इसीलिए है भक्ति शास्त्री कोर्स या भक्ति वैभव कोर्स और जो भी कोर्सेज है उसको पढ़ने से ये बहुत जरूरी है कि हम सीरियसली उसको पढ़े, समझे, अध्ययन करें और फिर प्रचार, नहीं तो वो ऐसे ही पड़ा रहे फ्रेम करके सर्टिफिकेट बना के दीवार के ऊपर लगा। जनों केवल ब्रह्म विज्ञान को जानता है अभी तो अन्यों को उपदेश देता है, वह द्वितीय अवस्था में रहता है। तो द्वितीय जो ब्रह्म विज्ञान को जानता है तो उसको कहते हैं जैसे कि मध्यमा अधिकारी है। मध्यम अधिकारी को वो जब जानता है वो जो है उपदेश करता है, यहाँ पे वर्णन किया जाए तो केवल ब्रह्म विद्या का जानता है तो अन्य को उपदेश देता है, वह द्वितीय तो अन्य को। और जो न केवल उपदेश जानता है वरन हर वस्तु को परम सत्य में और परम सत्य को हर वस्तु में देखता है। अभी यहाँ पे बताया कि किस प्रकार से हम भगवान को सर्वत्र देखें, सब कुछ किस प्रकार से, ज्ञान तो जानते हैं, ज्ञान है, प्रचार भी करते हैं लेकिन उपदेश भी देते हैं, लेकिन उच्च श्रेणी का कौन है? केवल न केवल उपदेश देता है वरन हर वस्तु को परम सत्य में और परम सत्य को हर वस्तु में देखता है, वो सर्वोच्च श्रेणी का वैष्णव। तो कभी कभी हम अच्छे विग्रह की भी सेवा करते हैं लेकिन अच्छे विग्रह को पत्थर धातु या लकड़ा, लकड़ी के रूप में स्वयं भगवान उपस्थित, स्वयं भगवान को उसमें देखते हुए, स्वयं भगवान और वो फीलिंग होना चाहिए। और सब कुछ में, सब कुछ जहां पे भी वो देखता है वो सिर्फ भगवान का ही हाथ दिखता, लेकिन वो भगवान का आठ सब चीजों में देखने के लिए उसका अध्ययन हो चुका है ना। जैसे कि 15वें अध्याय में भगवान अब बता रहे हैं, 15वें अध्याय में 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार उनका हाथ सब चीज में है। तो ये उत्तम श्रेणी का वैष्णव है या उल्लेख जो नियमों का पालन करता है, जो उपदेश देता है और इन सभी में से जो श्रेष्ठ है वैष्णव, क्योंकि वैष्णव पहले से, क्योंकि वो पॉइंट को जान लिया कि वासुदेव सर्वमिति स्वात्मा सो दुर्लभ, वो सब कुछ जान लिया। जिसने भगवान को जान लिया, जिसने भगवान की शरणागत हो गया तो वेदांत वेद एक अध्ययन का अंत यही है जो भगवान के वेदांत वेद जो सर्वस्य चाहम हृदि संत वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो। वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। और जिसने भगवान को जान लिया वो
वेदों का ज्ञाता है, जो पहले ही श्लोक में 15वें अध्याय में भी वही भगवान में, जिसने वेद को जाना इस वृक्ष को जान लिया, जिसने वेदों को जाना वो भगवान को जान लिया, उद्देश्य में चीज है। तो यह उल्लेख हुआ है कि वैष्णव पहले से ब्राह्मण रहता है, निस्संदेह वैष्णव होने पर ही ब्राह्मण की पूर्ण अवस्था प्राप्त होती है। ब्राह्मण की पूर्ण अवस्था मीन्स फाइनल, वेरी नाइस स्टेट ऑफ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ ब्राह्मणिकल परफेक्शन इज रीच्ड व्हेन वन बिकम्स अ वैष्णव। परफेक्ट एक्सप्लेनेशन जस्ट मेंशन हियर दैट वैष्णव इज ऑलरेडी अ ब्राह्मण। इन फैक्ट द हाईएस्ट स्टेज ऑफ ब्राह्मणिकल परफेक्शन इज रीच्ड व्हेन वन बिकम्स अ वैष्णव। वैष्णव प्रभुपाद और वैष्णव कौन? ऑलरेडी परमहंस, वैष्णव वो सन्यासी से भी ऊंचा। तो ये वैष्णव कौन है? वैष्णव जो है वो कभी जो है विचलित नहीं और दुखी नहीं होता अपने खुद के परिस्थिति पर, क्योंकि वो जानता है कि वो जो है भगवान से सुरक्षित है। पर वे जो है दूसरों के लिए चिंतित है, जैसे कि प्रहलाद महाराज। मैं तो मेरे लिए कुछ नहीं चाहती, लेकिन मेरे पिता उसके जो जिसने उसको इतना कष्ट दिया, तो वैष्णव क्या है? वो कुछ नहीं चाहता, वो तो क्या चाहता है? सिर्फ भगवान की सेवा। दूसरों की सेवा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है और अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता। प्रचार करने के लिए कहीं पे भी जाने के लिए तैयार है, उसको कुछ भी उसके बदले में नहीं चाहिए। तो बहुत सारे गुण है वैष्णव उनके। हम वैष्णव को नहीं जानते, वैष्णव सबसे परम अवस्था है। भगवान यहाँ पे आगे बताते हैं, मैं ऐसे ऐसा कोई व्यक्ति, मैं भगवान बताते हैं कि मुझे उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता, जो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य रुचि नहीं रखता। बस मुझे ही अपने समस्त कर्मों तथा अपना सारा जीवन सब कुछ अर्पित करता है, ऐसा कोई मुझे इससे बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं दिखता। ये भगवान का वचन है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।